हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज भव्या और आज मैं आप सबके साथ ये ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा कोई भी तामझाम नहीं किया है, बहुत ही सिंपल सा मैंने लुक किया है जो कि बहुत ही अच्छे से टर्न आउट हुआ है। सो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ जो कि गुड वाइब्स का है। आप सबको पता होगा कि मैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी होते हैं और ये काफ़ी अच्छे भी होते हैं। सो इसलिए मैं इसको यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। मैंने स्किन केयर ऑलरेडी कर रखा है बट थोड़ा टाइम हो गया था, तो इसलिए उसके बाद यहाँ पर मैंने टोनर एंड एलोवेरा जेल फिर से यूज़ कर लिया है। सो उसके बाद मैं इसको अच्छे से अपने फेस में अब्जॉर्ब हो जाने दूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र यूज़ करी हूँ जो कि अगेन गुड वाइब्स का है। मुझे नाम याद नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया है, सो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसा मॉइस्चराइज़र है। सो इसको मैंने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेकअप करने से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको प्राइमर ज़रूर यूज़ करना चाहिए और ख़ासकर ब्राइडल मेकअप है तो प्राइमर स्किप करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सो यहाँ पर मैंने प्राइमर यूज़ कर लिया। मैंने एलोवेरा जेल भी यूज़ किया, वो इसलिए ताकि मेरे फेस को थोड़ा ठंडक मिले। सो एलोवेरा जेल से काफ़ी अच्छा फील होता है, इसलिए मैंने यूज़ किया था। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर लेकर अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ब्रश की हेल्प से आईब्रो को अच्छे से मैंने यहाँ फिल किया है। एंड आपको लिंक मिल जाएंगी, जो भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी जो मैंने लोकल मार्केट से लिया उसकी लिंक मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, या फिर मुझे वो सेम प्रोडक्ट अगर मुझे दिखेंगे तो मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगी। सो सेम प्रोसेस है, यहाँ पर मैंने दूसरी आईब्रो को भी अच्छे से फिल कर लिया है। सो मुझे आईब्रो फिल करने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फिल कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं कंसीलर से अपने आई को पहले कंसील करूँगी ताकि हमारा आई शेडो काफ़ी अच्छे से उभर कर आए। सो यहाँ पर मैंने कंसीलर लिया है NYB का। एंड गाइस, अभी लाइट चली गई थी, मींस जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो लाइट चली गई थी, सो इसलिए आपको थोड़ा लाइटिंग में प्रॉब्लम लग रही होगी। सो यहाँ पर मैंने अपने आईब्रो को शेप देने के लिए अच्छे से कंसीलर यूज़ किया है अपने आईज़ पर एंड आईब्रो के आसपास, ताकि आईब्रो जो है वो पूरी तरह से शेप में आए। सो एंड हाँ गाइज, मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, सो आप प्लीज़ इस बातों को इग्नोर कर दीजिएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, गड़बड़ हो तो। सो यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब यहाँ पर लाइट आ चुकी है तो मेरे फेस पर भी आपको अच्छे से लाइट दिख रही होगी। सो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ मैंने फाउंडेशन लगाया है जो कि SQ का है। मैं इसको अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लूँगी एंड उसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड आप सबको पता है कि ब्लेंडर हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। मैं दोबारा से थोड़े से ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर अच्छे से इसको लगा रही हूँ ताकि मुझे अच्छी कवरेज मिले। एंड आपको नोज़ के पास और लिप के अराउंड अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से प्रोडक्ट्स रह जाते हैं अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो, या फिर अंडर आई के पास अगर नहीं अच्छे से ब्लेंड करोगे तो वो बाद में दिखने लगेंगे, सो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कंसीलर लिया है अपने माउथ के अराउंड, अपने नोज़ पर एंड जहाँ जहाँ मुझे थोड़े से ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया है। उसके बाद मैं अपने अंडर आई में इसको यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ी भी मुझे डार्क सर्कल वगैरह ना दिखे। वैसे मुझे है नहीं, फिर भी वहाँ पर थोड़ा ब्राइट कलर अच्छा लगता है, सो इसलिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हो। एंड आप जब भी ब्लेंडर यूज़ करें तो उसे पहले पानी में डिप कर लें एंड उसके बाद स्क्वीज़ करके तब आप यूज़ करें, उससे आपका बेस बहुत अच्छा ब्लेंड होता है एंड उसके बाद अगर आप मेकअप करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। सो इसलिए मैं इसको अच्छे से लगा ले रही हूँ, मतलब ब्लेंड कर ले रही हूँ। बोलने में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है आज मुझे। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पाउडर लिया है जो कि ADS बनाना पाउडर है, और इसको मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से पहले लगा लूँगी, थोड़ा सा मतलब मैं बेक करूँगी, बस कुछ सेकंड के लिए मैं इसको अपने फेस पर रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मुझे ब्राइटनेस नहीं चाहिए अपने फेस पर। सो उसके बाद मैं यहाँ अपने आईज़ पर अच्छे से इसको लगा ले रही हूँ एंड अपने नेक एरिया पर एंड ईयर पर। हमें अपनी ज्वेलरी पहननी है तो मैंने उतना नेक पर ये नहीं किया है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रो को एक बार कॉम कर ले रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो हमने कंसीलर लगाया था तो वो थोड़ा बहुत लग जाता है आईब्रो पर।
सो इसलिए मैंने स्पोली की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हमारे मतलब आईब्रो पर लग गया था मैंने उसको रिमूव कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अपने पाउडर को भी रिमूव कर ले रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे फेस पर लग गया था। एंड अब मैं यहाँ पर अपने लिप पर लिप बाम लगा रही हूँ ताकि लिप मेरा ड्राई ना हो। अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। तो मैं यहाँ जूम करके आपको दिखा रही हूँ, मैंने आई मेकअप बहुत ही सिंपल सा रखा है क्योंकि वैसे भी बहुत गर्मी है तो ज़्यादा मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी फील कराता है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्रांजिशन कलर लेकर अपनी आईज़ पर अच्छे से प्लेस कर ले रही हूँ क्रीज लाइन के पास। आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ सर्कुलर मोशन में। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपका आई मेकअप अच्छे से उभर कर आए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कलर लिया है जो कि थोड़ा सा रोज़ गोल्ड टाइप का है, थोड़ा डार्क है वो ट्रांजिशन कलर से। सो इसको मैं अपने पूरे आईलिड पर अच्छे से लगा ले रही हूँ। आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। मैं अपने दूसरी आईज़ पर भी सेम प्रोसेस से इसको लगाऊंगी। आप देख रहे हो मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड मेकअप करते वक्त आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, चाहे आप बेस मेकअप करो या आई मेकअप करो, ब्लेंडिंग आपकी अगर अच्छी होगी तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा आने वाला है। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर लेकर अपनी मिड आई पर पहले लगाते हुए इनर कॉर्नर की तरफ उसको पूरे में लगाया है। मैंने आउटर कॉर्नर की तरफ इसको नहीं लगाया, सिर्फ इनर कॉर्नर से लेकर मिड तक मैंने लगाया। मैंने मिडिल से स्टार्ट किया आप देख सकते हो, ताकि वो इनर कॉर्नर की तरफ अच्छे से लग जाए। क्योंकि आप जब भी ऐसे शिमरी कलर लो तो आप पहले मिडिल में लगाओ, उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी आईलिड पर। तो आप देख सकते हो उसके बाद मैंने यहाँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से लगा लिया, आप देख रहे हो। नेक्स्ट मैं यहाँ कॉपर कलर, हाँ ये कॉपर कलर ही है, इसको मैंने अपने आउटर कॉर्नर के पास लगाया है। एंड उसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ आपस में अपने सिल्वर कलर से, ताकि कोई भी हार्श लाइन वगैरह ना आए। सो आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। सेम प्रोसेस से मैं अपनी दूसरी आईज़ पर भी आई शेडो पिक करके लगा ले रही हूँ। एंड हाँ गाइज, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। एंड उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आएगी, आप उसे भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपसे मेरी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना हो पाए, आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आपका इसमें एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। आपको पता नहीं है गाइज, आपके एक लाइक एंड शेयर से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं मोटिवेट होती हूँ कि हाँ मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊँ। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत सारा प्यार दें। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से ब्लेंड कर लिया आपस में, ताकि कोई भी शार्प एजेस ना आए हमारी आंखों पर। एंड मैं सेम ट्रांजिशन कलर लेकर अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से। आप देख सकते हो मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। आपको अगर आई मेकअप करने में प्रॉब्लम होती है तो आप टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, अपने आई कॉर्नर के पास आप टेप लगा लो एंड उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट करो आई मेकअप, उससे बहुत शार्प लुक आता है और बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैंने कोई टेप यूज़ नहीं किया है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ मेकअप। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कॉपर कलर लेकर जो मैंने अपने आईलिड पर लगाया था, उसे भी मैं अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज अच्छे से स्मज करते हुए लगा रही हूँ। एंड आप जब भी लोअर लैश लाइन पर आई शेडो वगैरह लगाएं या फिर काजल लगाएं, तो आप थोड़ा सावधानी से लगाएं ताकि वो आपकी आँखों में ना लगे। सो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में एंड डिटेल्स दे दूँगी कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। एंड गाइस, आपकी कोई भी सजेशन वीडियो होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ताकि मुझे कोई अच्छा टॉपिक मिल पाए। सो यहाँ पर मैंने काजल अपनी दोनों आँखों में लगा लिया। एंड अपने अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करने के लिए भी मैंने काजल अच्छे से लगा लिया, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर काजल कम्प्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ आईलाइनर लगा रही हूँ। मैं थोड़ा सा विंग आईलाइनर यहाँ क्रिएट करूँगी, क्योंकि ब्राइडल लुक है तो अच्छा लगता है थोड़ा हैवी। मतलब मैं ज़्यादा हैवी नहीं कर रही हूँ, आप आई मेकअप देखकर समझ गए होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी। बस मैं यहाँ विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रही हूँ। एंड आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना, मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि आप कैसे लगा सकते हो आईलाइनर। एंड ये जो मैं मेकअप कर रही हूँ, ये तो बिगनर भी कर लेंगे बहुत ही इजी सा, इसलिए मैंने क्रिएट किया ताकि कोई भी बिगनर भी अच्छे से इसको कर ले, देखकर सीख जाएगा वो। सो आप इसको देखकर भी आसानी से ये मेकअप लुक कर सकते हो। और अगर आप ये मेकअप लुक करते हो तो आप मुझे इंस्टा पर ज़रूर टैग करना, मेरी इंस्टा की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यहाँ मैं मेंशन भी कर दूँगी ऊपर में आपको अपना इंस्टा लिंक, सॉरी मतलब इंस्टा आईडी, यूज़र नेम।
सो यहाँ पर मैंने सेम प्रोसेस से अपने दोनों आँखों पर आईलाइनर लगा लिया है। मैं अब देखो मैं कैसे लगा रही हूँ अपने फेस को नीचे की तरफ करके, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है आईलाइनर लगाने में, मुझे भी पहले होती थी, बट अब मैं अच्छे से इसको लगा लेती हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा विंग आईलाइनर क्रिएट किया है एंड थोड़ा थिक भी है ये, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है तो थोड़ा थिक होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लगा ले रही हूँ। एंड मैंने इनर कॉर्नर की तरफ भी इसको शार्प लुक देने के लिए, आप देख सकते हैं मैं इनर कॉर्नर की तरफ भी इसको हल्के से लगा रही हूँ, ताकि इनर कॉर्नर भी थोड़ा शार्प लगे हमारा देखने में। सो यहाँ पर मुझे आईलाइनर काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत अच्छा लगा ये आईलाइनर। एंड ये आईलाइनर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये आपके आँखों पर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आईलैशेस कर्लर यूज़ कर रही हूँ अपने लैशेस को कर्ल करने के लिए। एंड लास्ट में मैं फॉल्सेस लगाऊंगी, क्योंकि अभी फेस मेकअप हमारा बाकी है। सो यहाँ पर मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये मस्कारा काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया ये मस्कारा, काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये, आप इसे ले सकते हो, बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये मस्कारा। इसको लगाने के बाद आपको फॉल्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो। मैं यहाँ अपर एंड लोअर दोनों लैश पे इसको यूज़ कर रही हूँ अच्छे से, आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से, आप मेरे दोनों आँखों में फ़र्क देख सकते हो कितने अच्छे से ये लैशेज पर अच्छा लग रहा है देखने में। सो आप इसको ले सकते हो, ये काफ़ी महंगा नहीं है, आपको मिल जाएगा, ऑफ़र तो हमेशा चलते रहते हैं पर्पल पे, आपको वहाँ आसानी से ये मिल जाएगा ऑफ़र वगैरह में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो मैं अपने दूसरे आँखों पर भी अच्छे से इसको लगा ले रही हूँ। एंड आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी, आप बोर मत होना। वैसे भी आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने कैसे अचीव किया है। एंड लाइटिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। सो उसके बाद यहाँ पर मैंने फेस को हल्का हल्का सा कॉन्टोर कर लिया है। एंड नेक्स्ट मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है नोज़ कॉन्टोर करना, क्योंकि वो थोड़ा शार्प दिखता है तो अच्छा लुक आता है। मैं अपने चिक्स को एंड जॉ लाइन वगैरह को ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करती, क्योंकि मैं पहले से ही पतला फेस है मेरा, सो इसलिए आप देख सकते हो मैंने सिर्फ अपने नोज़ को अच्छे से कॉन्टोर किया, बाकी मैंने हल्के हल्के से कॉन्टोर किया अपने फेस को। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं पसंद है और गर्मी भी इतनी है तो वो अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत हैवी फील कराता है। सो यहाँ पर मैं अब हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं अपने यूजुअल प्लेस पर जहाँ जहाँ यूज़ किया जाता है वहाँ मैं अपने हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ग्लोई सा फेस हो गया है। हाइलाइटर काफ़ी कमाल की चीज़ है ना, आपके फेस को बहुत तुरंत ही ग्लोई कर देती है। एंड पता नहीं क्यों कैमरा इतना रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, पीछे का बैकग्राउंड का कलर ही चेंज हो जा रहा है बार बार, सो उसके लिए सो सॉरी। यहाँ पर अब मैं अपने आईब्रो के पास इसको लगा ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने आई कॉर्नर के पास भी हाइलाइटर लगाऊंगी, ऑफ कोर्स ब्राइडल लुक है तो थोड़ा तो बनता है ना। सो यहाँ मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से हाइलाइट कर ले रही हूँ अपने आई कॉर्नर के पास, आप देख सकते हो। मुझे कभी कभी अच्छा लगता है हाइलाइटर यूज़ करना, बट मुझे अगर आप बोलोगे डेली तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं डेली मेकअप भी नहीं कर सकती हूँ। एंड आप लोग भी बिल्कुल मत करना डेली मेकअप, कभी कभी चलता है, इसलिए आपको मेरी वीडियोस भी टाइम टाइम पे मिलती होगी, क्योंकि मैं डेली नहीं कर सकती हूँ मेकअप, इससे हमारी स्किन को इफ़ेक्ट पड़ सकता है, सो इसलिए। एंड यहाँ पर लास्ट मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, ये थोड़ा सा मरून टाइप का कलर है, बहुत प्यारा कलर है। सो ये मेरा फाइनल लुक अब आपको दिखने को मिल जाएगा, सो टंटरा। सो यह दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल सा है, मैंने एक बिंदी लगा ली है एंड मैंने ज्वेलरी पहन ली है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा आज का ये वीडियो। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।